उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला नु रावी है, फजाइले कुरान में हदीस मौजूद है, फरमाया जो रात की तन्हाई में खुदा के कुरान की तिलावत करता है, जब उसके मरने का वक़्त आता है, दिल के उजाले में मशगला कुरान बना, फारी वक़्त में कुरान खोल के बैठ गया और लोगों सफ़र में कुरान पढ़ने लग गया, फरमाया ये कुरान भी क्या देगा। फरमाया जब मरने का वक़्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है, उधर गुसल दिया जाता है, ये कुरान कफन सीने के दरमियान मैयत के छुप जाता है, जब कब्रिस्तान में लेके जाते हो कुरान साथ है, जनाजा पढ़ाते हो कुरान साथ है, जब कब्र में उतारते हो कुरान साथ है, जब ऊपर तख्ते रख के मट्टी डालने लगते हो कुरान उसके सीने में से निकल के सराहने खड़ा हो जाता है। उधर मेरे अजीजो अल्लाह अकबर मुनकर नकीर कब्र के अंदर आए, कुरान कहते खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ में आया हूं। फरिश्ते कहते हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए, कहा दो मिनट ठहरो, जब तक मैं आके हां ना करूं इसको हाथ ना लगाना। उबादा बिन सामित फरमाते हुजूर ये कह के रो दिए, फरमाया कुरान अल्लाह के दरबार में जाके गिड़गड़ाने लगता है, कहता अल्लाह तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है। फरिश्ते उसे डरा रहे, अल्लाह अपने फरिश्तों को वापस बुला ले, मैं गवाही देता हूं मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह फरमाते ठीक है, जब ये कुरान मेरे अजीजों कब्र के अंदर वापिस जाता है, मैयत सुकून से लेटी होती है, फरिश्तों को देखता कोई नहीं, कुरान मैयत को आवाज देता है, मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही से ही बता तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया, सताया तो नहीं। कहता वादा करके आया हूं, तू यारी मेरे साथ लगा के आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। मैयत को कहता मैं तेरे से दूर जा रहा हूं, मुलाकात के लिए रोजाना आता रहूंगा, जा रहा हूं। मैयत को कहता जरा आंखें खोल के जरा आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ मैयत देख दिया, 1000 फरिश्ता चार चीजें उसकी कब्र में लेके उतरता है, जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरे किंदील लेके उतरता है, यास्मीन फूल लेके उतरता है, फरिश्ते कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं, और फिर दाएं बाएं से इतने इतने सुराखों से जन्नत की हवा कैसी चलता है, फिर उसके पैरों की तरफ जन्नत का कंबल रख दिया जाता है, कहा जाता है हम तो तेरे से जा रहे हैं, अगर सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लेना। तीसरा मेरे अजीजों उसके सीने पर यास्मीन फूल रख दिया जाता है, कि अगर अम्मा अब्बा बहन भाई याद आवे इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना, तो इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा, जब जाने लगे का अंधेरे का क्या बनेगा। फरिश्ते नूरे किंदील कब्र में जलाते हैं, का कयामत आ जाएगी, इस दिए का ना गैस खत्म होगा ना तेल खत्म होगा, कयामत तक ये जलता रहेगा। अल्लाह अकबर, जब कुरान पाक उसकी कब्र से जाता है, कहता बेफिक्र होकर सो जा, खुदा से वादा करके आया हूं, कयामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। हदीसे पाक में आया, फिर कुरान रोजाना मैयत के घर में आता है, अगर बीवी ने बुरका ओढ़ लिया, बच्ची मदरसे में दाखिल हो गई, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये अल्लाह का कुरान मैयत को जाके खुशखबरी सुनाता है और कहता है तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे खाता तेरा खुला रहेगा। फरमा अगर औलाद बिगड़ गई, बच्चे सनोकर डब्बू पे चले गए, बीवी सिलाई मशीन पे चली गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, कुरान ऐसी खबरें जाके मैयत को नहीं बताता, उसका दिल दुखेगा। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर क्या होता है? फरमाया घर की बेबरकती को देख के कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा, ओ लोगों तुम्हें किसने कह दिया खुदा का कुरान बेवफा है? कयामत के दिन अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा, कहां है लोग कुरान वाले? फरिश्तों को ऐलान होगा, और मेरे फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगार आलम के हुक्म पे फरिश्ते कदम उठाएंगे, फरिश्ते मुड़ मुड़ के देखेंगे क्या हुआ, या अल्लाह कुरान वालों को तलाश करके लाए, इनकी निशानी क्या, या अल्लाह कौन सा टाइटल, कौन सी ने शील्ड मिली, या अल्लाह कौन सा इसका हिस्सा नूर का चमक रहा, या अल्लाह माथा चमक रहा, हाथ पैर चमक रहे, या अल्लाह जिस सीने में कुरान था वो चमक रहा है। इलाहुल आलमीन, या तो हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेकर जनाब काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मतें खड़ी
खड़ी है, इलाही तेरे कुरान वाले कौन है? सुनो, अल्लाह फरमाते हो फरिश्तों मैदान माशर में जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं, हर एक के मुंह को सूंघते रहो, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वही मेरा कुरान वाला। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, जैसे जमील पे बैतुल्ला है साथ में आसमान पे बैत मामूर है। जमील पे बैतुल्ला का फरिश्ते तवाफ करते हैं, इंसान तवाफ करते हैं, बैत मामूर का फरिश्ते तवाफ करते हैं। बुजुर्ग फरमाने लगे, जब जब जिब्राइल मुझे बैत मामूर के पास लेके गया, मैंने एक बुजुर्ग बाबा देखा, घनी दाढ़ी वाला, नाव तक नीचे दाढ़ी थी, यूं करके झूल रहा था जिस तरह दुनिया के अंदर दाएं बाएं बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, बच्चे भी यूं करके पढ़ रहे थे। मैंने पूछा, इब्राहिम कौन है? कहे तेरा अब्बा इब्राहिम। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन है? कहा तेरा अब्बा इब्राहिम अलैह सलाम है। कहा कुरान तो मेरे पे नाज़िल हुआ पर इब्राहिम अलैह सलाम रहा है। ये बच्चे कौन है? नबियों की औलाद है। ये बच्चे कौन है? यूसुफ की औलाद है। ये बच्चे कौन है? नूह की औलाद है। कौन है? कहा नहीं नहीं, दुनिया के अंदर हुजरा शाह मुकीम में बच्चा कुरान पढ़ने गया, 10 पारे हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। अब्बा कहता काश कुरान का हाफिज बन जाता, जा मुहम्मद उस दुनिया के अंदर जाकर उसके बाप को मुबारकबाद देना, जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़ के आया सातवें आसमान पे इब्राहिम उन्हें कुरान का हाफिज बना रहा। हदीस शरीफ में आया, फरमाया जब कयामत के दिन ये उम्मती अल्लाह का बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटका के आएगा, इसके दोनों तरफ दो बादल के टुकड़े यूं करके चलते आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे शर्मिंदा क्यों होता है? उतते तक जब यूं करके देखेगा उन बादल के टुकड़ों में से नूर बरसने लग जाए, जब छम छम उसके चेहरे पर गिरेगा परेशानी खत्म होगी, दिल पर गिरेगा खत्म होगी। कहेगा अल्लाह भाई की शक्ल नहीं, यार की शक्ल नहीं, दोस्त की शक्ल नहीं, कौन है? अल्लाह फरमाएंगे एक तरफ सूरह बकरा है, दूसरी तरफ सूरह आले इमरान है। याद कर रमजानुल मुबारक में तूने ख़त्म किया था, तूने एक मरतबा तिलावत की, इन्होंने भी वादा कर लिया था कयामत के दिन जब कोई साया ना होगा हम साया करके तेरे सर के ऊपर आ जाएंगे। भला जिसके सर पर कुरान का साया हो खुदा उन्हें जहन्नम में कैसे डाल सकता है? फरमाया लोगों रात को इशा की नमाज उसके बाद सूरह मुल्क पढ़ लिया करो। फरमाया जैसे कब्र में जाता है सूरह मुल्क दो परों के अंदर लपेट लेती है, फरिश्तों से कहती है ना सवाल करना, मुझे पढ़ा करता था, मैं जामीन हूं। फरमाया लोगों सुबह सूरह यासीन पढ़ लो, अल्लाह कहता मुझे मेरी इज्जत की कसम है 3 वक्त खाएगा दूंगा, 4 वक्त मांगेगा दूंगा, 5 मर्द मांगेगा दूंगा। जो सूरह यासीन से दिल की इब्तदा करेगा मौत तो आएगी उसके रिजक में कभी थोड़ नहीं आएगी। हजरत उस्मान ज़ीशान रजी अल्लाह तआला कहां जा रहे हैं? जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद के पास। अलील बच्चा कोई नहीं बच्चियों वाला, अब्दुल्ला बिन मसूद के पास गए, अल्लाह तेरे पे रहम करे, कुछ तो कर लिया होता, कुछ तो कमा लिया होता। अशरफियों की थैली दी, कह ले मेरी तरफ से बच्चों को दे दे काम आएगी। थैली झोली में डाल दी, कहा तेरी थैली का क्या करना, जो मुझे रसूल्ला ने तोहफा दिया वो मैंने बच्चों को दे दिया, मैंने अपने बच्चों को सूरह वाकिया याद करा दी। मैंने कहा मेरे बच्चों मगरिब की नमाज के बाद तिलावत करना। कमली वाले ने फरमाया जो सूरह वाकिया रोजाना पढ़ेगा मौत तो उसके घर में आएगी, रिजक की थोड़ कभी नहीं आएगी। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ। वजीफा ले लो, अगर किसी को कोई बीमारी हो मर्ज ला इलाज हो अकीदे के साथ करे, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 7 मरतबा सूरह फातिहा आमीन के साथ पढ़े, और हर मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और वलद्दालीन के बाद आमीन पढ़े। फरमाया 7 मरतबा पढ़े, दिन में एक मरतबा पदम करके पी जाए, 7 दिन पीने के बाद चेक कराए, जो मरज चेक कराएगा तेरे जिस्म की रोगों में खून तो नजर आएगा, सूरह फातिहा की बरकत से वजूद में बीमारी नजर नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया शहद में शिफा है,
अल्लाह की कसम हो ही नहीं सकता शिफा ना हो, बीमार हुआ शायद चटाओ अल्लाह शिफा अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस वक्त कुरान दुनिया के अंदर मेरे अजीजों आप सर्वे करो, इस वक्त आपको दुनिया के अंदर सबसे मजलूम तरीन तबका कुरान कब पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नजर आएगा। तनख्वाहों में कम, हैसियत में कम, रिहायशों में कम, कलोनियों में कम, ओहदों में कम, मेरे अजीजों कौन है जो कुरान वालों की डिग्री कबूल करता है?